कानपुर नगर से। गुरुद्वारा बाबा नामदेव में सिखों के गुरु श्री गुरु हरि गोविंद साहब जी का प्रकाश गुरु समागम के रूप में मनाया गया। आज गुरु हरगोविंद जी द्वारा अमृतसर में सिखों के सर्वोच्च शक्त श्री अकाल शक्त में भी निर्माण कराया गया। इन्होंने मीठी व पीरी की अर्थात भक्ति और शक्ति की दो तलवार घाटन करी। गरीब लोगों पर अत्याचार व जबरदस्ती धर्मांतरण का युग था, जिसके लिए अकाल पुरुण पिता परमेश्वर ईश्वर द्वारा इनको शक्ति के रूप में प्रकट किया गया। और कहा जाता है, पांच पिछाले पंज पीरू छठम पीरू बैठा गुरु भारी, अर्जन काया पटल की मूर्ति हरि गोविंद सवारी। अर्थात ईश्वर के भेजे गए पांच गुरु के बाद छठवें पीरू पैगंबर के रूप में श्री गुरु हरि गोविंद जी का अवतार हुआ, जिन्होंने मुगल सल्तनत के जुल्म के आगे शक्ति की तलवार लेकर उनके पतन व राजसी प्रभाव को खत्म करने का साहस किया। चला के सब राजनीति की जाएगी, मिष्ठान बंडिया जाएगा, नाल ही आतिशबाजी करके देश केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी सरदार नीतू सिंह, गुरुद्वारा बाबा नामदेव सेवक, सरदार परमजीत सिंह चंडोक जी, हनी भाटिया जी, श्री चंद असरानी जी, हरपाल सिंह जी, आज सिखों को तो बड़ी खुशी है कि 1984 के 38 साल बाद जो दंगे के दोषी थे, जिन्होंने नरसंहार में अपनी भूमिका निभाई थी, आज उसमें से चार लोग सुबह की भोर में गिरफ्तार हुए और उनको जेल भेज दिया गया। आज हमारे छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी का प्रकाश उत्सव भी है। सुबह से गुरुद्वारा साहब में गुरमत समागम हुआ और यहाँ पे आयुष्मान आभा कैंप का आयोजन करके उसके लिए ज़रूरतमंदों को 200 कार्ड भी बनाए गए और शाम को ही इसी उपलक्ष में आतिशबाजी की गई, मिष्ठान बांटी गई और उन नरसंहार में मृत्यु को प्राप्त हमारे जो भाई बहन थे उनको दीपक जला के श्रद्धांजलि दी गई। और आज हम लोग खुश हैं कि उनकी आत्माओं को भी पता लग रहा होगा कि योगी और मोदी जी जब आए तो उन्होंने SIT गठन की और उसका अंजाम देते हुए आज ये गिरफ्तारियां शुरू हो गई। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।